जो हम लोगों के गुरु हैं, हम लोगों के नेता हैं, और उनको उनके लिए लाखों करोड़ लोग अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे हमारे परम श्रद्धे आदरणीय अखिलेश यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद इस वजह से देना चाहता हूँ कि फतेहपुर सीकरी विधानसभा में आज जो बुलंद दरवाजे से पद यात्रा शुरू हो रही है, उन्होंने अपने साथी भाई दिग्विजय यादव जी, दिग्विजय देव जी को हमारे बीच में भेजा है। देखो साथियों, आप लोग जानते हैं इस पद यात्रा का मकसद समाजवादी पार्टी की जो सरकार रही वो माननीय अखिलेश यादव जी ने हर वर्ग के लिए काम किया, चाहे नौजवान हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, चाहे बेरोजगार हो, हर वर्ग के लिए काम करने का काम किया तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया। एक तरफ वो सरकार है गूंगी बहरी, प्रदेश में बैठी है और देश में बैठी है, केवल और केवल ठगने का काम करती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में आगरा में कहा था कि हमारी सरकार देश के अंदर बनवा दो करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देंगे। मैं आप लोगों साथ में पूछना चाहता हूँ, किसी को रोजगार मिला? किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। रोजगार केवल देने का काम किया कि हमारे छात्र LLB करके आ रहे हैं, PhD करके आ रहे हैं, कि आप लोग पकौड़ा बनाइए, पकौड़े का रोजगार देने का काम इन लोगों ने किया। और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा आत्महत्या किसान कर रहा है और ये लोग वायदा करते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर पकड़ सबसे ज्यादा अगर दुर्गति हो रही है तो महिला माता बहनों की हो रही है। सरेआम बलात्कार होता है, सरेआम छेड़खानी हो रही है, और प्रदेश के जो भाजपा के नेता है और प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है अपने आंखों में रुई लगा के बैठे हुए हैं।